शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री मोदी हुसैनीवाला पहुंचे। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और किसानों को कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर उन्हें राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। पीएम ने यह भी भरोसा जताया कि हिंसा और आतंकवाद के माहौल से दूर द्विपक्षीय वार्ता से हर मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। जनता के बढ़ते दबाव के आगे झुकते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमय मौत के मामले में आज सीबीआई जांच कराने का फैसला किया। आज शहीद दिवस पर समाज सेवी अन्ना हजारे के आंसू भी छलक आए। अन्ना शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो गए और इसी दौरान उनकी आंखें नम हो गई। पीएम मोदी समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अजीबोगरीब बयान दिया है। बिहार में 10वीं के इम्तिहान में नकल की तस्वीरें सबने देखी। लालू ने कहा कि क्या आपने आरजेडी शासन में कभी भी नकल की बात सुनी? उन्होंने कहा कि आपने कभी भी इसे नहीं सुना होगा, क्योंकि हम तो छात्रों को पूरी किताब ही दे देते थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों की पूर्ण रक्षा का संकल्प लेते हुए धर्मांतरण पर सवाल उठाया है और धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता पर बहस की वकालत की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने खुद पर लगे 9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। शिल्पा ने ट्वीट कर कहा कि वो इस केस के खिलाफ कानूनी सलाह ले रही हैं। कोलकाता में शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा खिलाफ 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का कुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक के बाद एक रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं। 24 मार्च को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला होगा, जिसमें कोई भी जीते एक नया इतिहास बनेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंची है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।